वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ओकिनावा का 90। तो दोस्तों एक गाड़ी को परचेस करने के गाड़ी का आपको एक शोरूम प्राइस कितना है, आरटी कितना है, इंश्योरेंस कितना है, ऑन रोड प्राइस कितना है। तो दोस्तों अगर आपको ये गाड़ी लेना चाहता है यामा में, तो इस गाड़ी का आपको डाउन पेमेंट कितना भरना पड़ेगा। तो दोस्तों गाड़ी का आपको लोन अमाउंट कितना आएगा, तो दोस्तों गाड़ी का टर्न ओवर कितना सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों गाड़ी का आपको मंथली ईएमआई कितना आएगा, ये सब डिटेल्स हमें इस वीडियो में बताए। दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले एक बात बता दो दोस्तों, पुणे सिटी का प्राइस है, अलग अलग सिटीज़ का अलग अलग प्राइस होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो दोस्तों आपके सिटी का आपको रियल प्राइस ज़्यादा है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आपके गाड़ी का नाम दीजिए, आपके सिटीज़ का नाम दीजिए दोस्तों, तो हम आपको आपके सिटीज़ का रियल प्राइस बता देंगे। तो चलिए दोस्तों बिना समय के आज के इस वीडियो को शुरू कर दे। ओकिनावा का 90। तो दोस्तों ये गाड़ी का आपको एक शोरूम प्राइस 1,03,000 के आसपास दोस्तों ये गाड़ी का आपको एक शोरूम प्राइस आएगा। तो दोस्तों गाड़ी का आपको आरटीओ यहाँ पे दिए नहीं, यानी कि आपको आरटीओ भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों गाड़ी का आपको इंश्योरेंस 4,000 के आसपास दोस्तों गाड़ी का आपको इंश्योरेंस आ जाएगा। तो दोस्तों गाड़ी का आपको ऑन रोड प्राइस 1,07,000 के आसपास दोस्तों गाड़ी का आपको ऑन रोड प्राइस आएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये गाड़ी लेना चाहते हैं यामा में, तो दोस्तों आपने डाउन पेमेंट किया 10,000 के आसपास दोस्तों आपने डाउन पेमेंट किया, तो दोस्तों गाड़ी का आपको लोन अमाउंट 97,000 के आसपास दोस्तों गाड़ी का आपको लोन अमाउंट आ जाएगा। तो दोस्तों गाड़ी का टर्न ओवर हमने 36 मंथ सिलेक्ट किया दोस्तों, तो आपके मंथ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों गाड़ी का इंटरेस्ट 9.5% आया दोस्तों, तो आपके सिविल के हिसाब से आपको इंटरेस्ट पड़ेगा। तो दोस्तों गाड़ी का आपको मंथली ईएमआई 3,400 के आसपास दोस्तों गाड़ी का आपको मंथली ईएमआई पड़ जाएगा। तो दोस्तों एक कुछ डिटेल से एक गाड़ी का, अगर आपको किसी भी गाड़ी का डिटेल जानना है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आपके गाड़ी का नाम दीजिए दोस्तों, तो हम आपको रिप्लाई देने की हम जरूर कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मेरे को ये उम्मीद है मेरा छोटा छोटे आपको पसंद आता है दोस्तों, वीडियो को लाइक करना भूलें, क्योंकि ऐसे नाजुक वीडियो हम आपके लिए जरूर लाते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते तब तक अगले वीडियो में।